Oh. मार्च 2023 भारत में सोमवार है टुडे इज़ 27 मार्च 2023 एंड इट्स मंडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज सोमवार है, पिलाने वाला बाबा, आज के साकार मुरली में संपूर्ण श्रीमद भगवद गीता की महिमा और इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं आज बाबा ने अपने महावाक्यों में साकार महावाक्यों में खुश नसीब बच्चों को याद किया है देखो भगवान के भी खुश नसीब बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब आप सोए हुए थे क्या तो इस समय बाबा के दोनों प्रकार के बच्चे हैं। बाबा ने आज वो शब्द फिर से इस्तेमाल किया है बाबा ने कहा हाफ कास्ट ब्राह्मण को नशा नहीं चढ़ेगा फुल कास्ट ब्राह्मण को ही नशा चढ़ेगा माना जिनकी बुद्धि स्वच्छ हो चुकी है पवित्र हो चुकी है जिन्होंने परमात्मा शिव बाबा को निरंतर अपना साथी बनाया है और साक्षी अवस्था में रहते हैं तो सदा हर्षित रहते हैं ऐसे खुश नसीब बच्चे बाबा ने यहां तक कहा है कि सबसे बुद्धिमान देखना हो तो यहाँ पर देखो और सबसे महामूर्ख देखना हो तो भी यहां पर देखो तो भगवान को भी रहम आता है कि बच्चों के बुलाने पर इतने दूर से बाबा इस पुरानी दुनिया में पतित दुनिया में और पतित शरीर में आया हुआ है बाबा को भी वंडर ही लगता है बाबा याद दिला रहा है कि बच्चे तुमने ही मुझे बुलाया आधा कल्प से तुम्हारी बुद्धि भटकी हुई थी तुम पुकार पुकार कर थक गए लेकिन मैं मेरे टाइम पर ही आऊंगा और तुम्हारे बुलाने पर मैं आया हूँ और ये कौन सी मेहमान नवाजी है क्योंकि मेहमान को बुला के उसको भूल जाना ये बहुत बड़ा वंडर है ये मेहमान नवाजी है नहीं है इतना खूबसूरत साजन शिव बाबा है आज के मुरली में ये भी पॉइंट आई है बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है साजन और सजनी के तो यूजुअली सजनी बोलते ही फीमेल सामने आती है स्त्री का चित्र आता है लेकिन आज बाबा ने कहा कि मेल हो या फीमेल स्त्री हो या पुरुष सभी सजनिया है साजन तो केवल एक शिव बाबा ही है परमात्मा ही साजन है और सभी आत्माएं परमात्मा की सजनी है और ये मेरे को बहुत साइंटिफिक बात लगी थोड़ा इसके पीछे का साइंस हम देखते हैं वर्तमान साइंस के अनुसार हम कहते हैं मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन या जिसको कहा है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन माना बाएं तरफ का मस्तिष्क और दाएं तरफ का मस्तिष्क तो वर्तमान साइंस कहता है न्यूरो साइंस की लेफ्ट ब्रेन जो होता है बाएं तरफ का मस्तिष्क ये तर्क से चलता है लॉजिक से चलता है इसीलिए इसको मेल ब्रेन या पुरुष का ब्रेन कहा गया है मस्तिष्क और दाई तरफ का राइट ब्रेन है ये क्रिएटिव होता है आर्टिस्टिक होता है रचनात्मक होता है भावनात्मक होता है और इसे फीमेल ब्रेन कहा गया है जैसे स्त्री में भावना प्रधान होते हैं पुरुष तर्क प्रधान होते हैं ज्यादातर की बात है ऐसा हो सकता है कि पुरुष भी भावना प्रधान हो और स्त्री भी तर्क प्रधान हो लेकिन ज्यादातर ऐसे देखा गया है क्योंकि स्त्री को बच्चों को प्यार देना है पूरे परिवार को प्यार देना है तो उसकी रचना वैसे हुई है और पुरुष को घर चलाना होता है जिम्मेवारी होती है हार्ड वर्क होता है तो उसको उस तरह से बनना होता है तो बाबा कहता है पुरुष हो या स्त्री सभी सजनिया है अभी इसको समझना बहुत जरूरी है बाबा ने आज के मुरली में कहा है कि भक्ति तो सभी करते हैं तो जो भी भक्ति करते हैं भगवान को याद करते हैं तो हो गई सजनी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है लौकिक में पत्नी पति को याद करती है कितना भी दूर हो बाबा ने कहा जब सगाई हो जाती है तो पति की याद नेचुरल रहती है तो यहाँ पर राइट ब्रेन या दाया मस्तिष्क इसका भाव अर्थ लेना चाहिए कि जो सरेंडर करते हैं वो सभी क्योंकि स्त्री माना समर्पण स्त्री के लिए दूसरा शब्द है समर्पण भाव पूरी तरह से समर्पित होती है और यहाँ पर अगर आध्यात्मिकता में आपको आगे जाना है तो समर्पण के बगैर पर्याय नहीं है जो एक श्लोकी भगवत गीता हम बार बार देख रहे हैं अध्याय का श्लोक वो समर्पण का श्लोक है सर्वधर्मान परित्यक्ष मा में कम शरण व्रज तुमको समर्पण होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी बुद्धि हद की बुद्धि है और परमात्मा की बुद्धि बेहद की है कितने भी तुम बुद्धिमान हो कितने भी बुद्धिमान हो परमात्मा के आगे हमारी बुद्धि हद की ही रहेगी क्योंकि वो बेहद का रचयिता है जब तक इस अहंकार का समर्पण नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता है आज हम भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक देखने वाले हैं तीसरे अध्याय का सत्तावीसवा श्लोक है ट्वेंटी सेवेंथ वर्स ऑफ थर्ड चैप्टर अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम मनते भगवद गीता कहती है जो अहंकारी होता है वो स्वयं को कर्ता समझ बैठता है जैसे लौकिक में पुरुष जो होता है वो कर्ता होता है पहल करने वाला पुरुष होता है स्त्री चुप रहती है तो ये कर्तापन का अहंकार रहता है पुरुष को जिस घर में पुरुष कमाता है स्त्री को घर संभालना होता है तो वो घर में खाना बनाती है और बच्चों को संभालती है ज्यादातर माताएं बहनें ऐसे ही रोल में थी ये तो पिछले कुछ सालों से माना हंड्रेड ईयर्स ऑड हो गए जब घर से बाहर निकलना चालू हो गए नहीं तो उसको घर में ही रहना होता था तो इसको कहते हैं मेल ईगो या पुरुष अहंकार तो जब घर चलाते हैं तो आज भी देखा है जिस घर में स्त्री गृहिणी होती है तो उसको चुप रहकर चलना होता है क्योंकि जिस पुरुष में अहंकार है वो समझता है मेरे वजह से घर चल रहा है तो ये जो अहंकार है अध्यात्मिकता में तो इसको बाबा ने नंबर वन पोजीशन दिया है अशुद्ध अहंकार पहले आता है उसके बाद काम क्रोध आता है तो बाबा ने कहा कि अगर बाप समान बनना है तो इस अहंकार का त्याग करना पड़ेगा कभी कभी मैं सोचता हूं बाबा ने बहनों को निमित्त किस लिए बनाया होगा और भाइयों को पीछे क्यों रखा होगा बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं। सबसे पहली बात बहनों और माताओं में लीडरशिप क्वालिटी बाबा डेवलप करना चाहता था क्योंकि भगवान का गायन है असंभव को संभव करने वाला जिनको दुनिया ने विशेषता सन्यासियों ने नर्क का द्वार कहा बाबा ने उन्हीं को कहा कि इन माताओं बहनों के द्वारा ही स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है तो टोटल 360 ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत नशे की बात है बाबा ने कई बार कहा है वंदे मातरम स्वयं भगवान माताओं को नमन करता है और भाइयों के अंदर का अहंकार कम करने के लिए मैंने देखा अच्छे अच्छे भाई किचन में सेवा करते रहते हैं तो अहंकार कम करना है तो आपको किचन में जाना है और लीडरशिप नेतृत्व गुण को डेवलप करना है तो आपको निमित्त बनना है। बाबा ने माताओं की बहुत की है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी ये बात आई नहीं है जबकि बाबा मुरलियों में बार बार कह रहा है कि माताओं बहनों को आगे रखना है और वर्तमान लौकिक भगवत गीता में आई नहीं है उल्टा एक श्लोक के ऊपर तो झगड़ा चलता है भगवत गीता में क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक आता है उसमें पाप योनि का वर्णन है पाप योनि का उद्धार करने के लिए परमात्मा आता है और उस पाप योनि में अनफॉर्चुनेटली स्त्री का वर्णन है नववे अध्याय में बत्तीसवा श्लोक हमने देखा है आज ये तीसरा श्लोक भगवत गीता का हम देख रहे माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अभी स्यु पाप योन य स्त्री तथा शूद्रस्ते यानी पराम गति तो परमात्मा भगवान आज है कहते हैं लौकिक भगवत गीता में कि अर्जुन सभी मनुष्य स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल को भी अगर वो मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो स्त्री वैश्य शूद्र अपी ये सब को एक में डाला हुआ है हालांकि कुछ लोग इससे डिफर करते हैं लेकिन वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज दिस ऐसे स्त्री जन्म जिसको सेकंड स्टेटस दिया गया था भगवान कहता है कि उनके बिगर गति सदगति नहीं हो सकती शास्त्रों में जो गायन है भीष्म पितामाओं को माताओं बहनों के द्वारा तीर लगे और यह हम प्रैक्टिकली देखा हमारी दादिया रिलीजियस विंग की कॉन्फ्रेंस है मैं देख रहा था देख के हैरान हो रहा था ज्ञान सरोवर में हुआ शांतिवन में हुआ या जितने भी मैं देखता हूँ ये कुंभ मेले होते हैं हमारी बहनों को कितने रिगार्ड रिस्पेक्ट से देखते हैं, जब दादी जान की स्टेज पर थी या दादी प्रकाश मनी स्टेज पर थी तो ये प्रत्यक्षता नहीं तो और क्या है ये बाबा ने करके दिखाया है पर भगवत गीता में कहीं पर भी इस रूप से महिमा आई नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो भगवान सुनाता है सत्य गीता ज्ञान वो वर्तमान भगवत गीता में यथार्थ रूप से आया नहीं है इसलिए इसको सत्य भगवत गीता नहीं कह सकते आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है जैसे भगवान की महिमा अपरम्पार है परमात्मा की महिमा अपरंपार है वैसे गीता की भी महिमा अपरंपार है भगवत गीता और परमात्मा दोनों की महिमा अपरंपार है तो चेक करना चाहिए कि अगर मुझे भी बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां लेनी है तो कहने का भाव है कि अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और उसके लिए एक ही तरीका है सजनी बन जाओ अभी सजनी बनना ऐसे नहीं जैसे भारत में एक ऐसी स्टोरी आई थी किसी पुलिस ने बहनों के कपड़े पहन लिए क्योंकि वो सजनी समझने लगा श्री कृष्ण की स्वयं को सजनी समझ लिया ये सब करने की जरूरत नहीं है हमको अंदर से भाव रखना है कि परमात्मा साजन है और मैं उसकी सजनी हूँ इसके ऊपर शास्त्रों में भी बहुत सुंदर कथा है मुझे याद आ रही है संत मीराबाई की कथा एक बार वो मंदिर में जाने चाहती थी उसको गेट पे रोक दिया श्री कृष्ण का मंदिर था तो उन्होंने कहा कि ये केवल सन्यासियों का मंदिर है यहाँ पर माताओं बहनों को प्रवेश नहीं है संत मीरा जवाब था अच्छा मुझे तो तो पता था कि साजन तो केवल एक परमात्मा है और बाकी सब उसकी सजनिया है दूसरा साजन कहा से पैदा हो गया तो उन्होंने ये मैसेज दिया पहुंचाया उस मंदिर के मांद को और उसको बात समझ में आ गई तब उन्होंने संत मीराबाई को अंदर ले लिया तो भक्ति मार्ग में भी मान्यता है कि साजन एक भगवान है वो परमात्मा है और हम सब उसकी सजनियां हैं जब तक ये सरेंडर भाव नहीं आएगा समर्पण आएगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक मैं है तब तक हरि नहीं कबीर ने कहा है और जब हरि है तो मैं नहीं ये मैंपन बाबा में समा जाना चाहिए दादी ने ये करके दिखाया मम्मा बाबा ने करके दिखाया ये ही सबसे बड़ा विघ्न है तो इसको समर्पण करना पड़ेगा तभी हम सच्ची सच्ची सजनी बनेंगे और शिव साजन के साथ साथी बनकर जाएंगे बाराती बनकर नहीं तो आज पूरा अटेंशन रखेंगे कि समर्पण भाव इसके ऊपर बहुत सारे शिविर लेते हैं कुछ लोगों ने तो इसका नाम ही रख दिया समर्पण ध्यान शिविर वो केवल समर्पण सिखाते हैं क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम परमात्मा के आगे कुछ नहीं है हमको सरेंडर होना ही पड़ेगा सेल्फ रिस्पेक्ट में जरूर रहना है स्वमान में जरूर रहना है क्योंकि भगवान भी यही चाहता है कि आप स्वमान में रहो आज के मुरली में कहा एक पॉइंट कौन सी मुरली में आया वो आपका संशय दूर कर सकता है आपको संग से बहुत ख्याल रखना है आज बाबा ने कहा इस ज्ञान स्नान को दो बार करना चाहिए बाबा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाना है फ्रेश रहना हर्षित रहना तो लौकिक में भी लोग फ्रेश होने के लिए स्नान करते हैं आप ये प्रयोग कर सकते हैं जब भी आपका मूड अच्छा नहीं स्नान कर लेना आप फ्रेश अनुभव करेंगे क्योंकि निगेटिविटी आती है आयुर्वेद में तो आ, वो नमक का स्नान करने को कहा है समुद्र स्नान क्योंकि उसमें नमक होता है और नमक निगेटिविटी को वॉश आउट करता है कई लोग अपने कमरे में या कमरे के कोने कोने में नमक रखते हैं क्योंकि नमक निगेटिविटी को खींच लेता है तो कहने का भाव है लौकिक में भी ये स्नान करने की प्रथा है शरीर के ऊपर निगेटिविटी आ जाती है तो स्नान करते हैं बाबा कहता है जैसे शरीर को बड़े लोग स्नान कराते हैं दो बार ऐसे ही खुश नसीब बच्चे दो बारी ज्ञान स्नान करते हैं <laughs> दादी जानके ने तो कहा 21 बार मुरली पढ़ना चाहिए अगर 21 जन्मों की राजा ही चाहिए तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है ट्रेन में चलते फिरते मैं सीधा मुरली के सागर में डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ एक एक शब्द मुझे बहुत खींचता है आज के मुरली में तो पूरी भगवत गीता आई हुई है तो बाबा ने आज कहा कि जो दो बार ज्ञान स्नान करते हैं वो हमेशा हर्षित रहेंगे तकदीरवान बनेंगे संशय निकल जाएगा क्योंकि बार बार मुरली की पॉइंट पढ़ते हैं तो संशय निकल जाता है ऐसे लगता है भगवान बातें कर रहा है हमसे जब भी मैं मुरली पढ़ता हूँ तो मुझे और बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव ऐसे लगता है बाबा सामने बैठ के मेरे से बातें कर रहा है तो भगवान वन टू वन मेरे को सिखा रहा है टीचर बन के ऐसी फीलिंग आती है माया भी लोगों के संग से बच जाएंगे अगर आप टीवी देखते हैं मोबाइल देखते हैं यूट्यूब वीडियो देखते हैं या व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं कई सारे मैसेज बाहर से भले अच्छे लगते लुभावने लगते हैं लेकिन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं मेरे पास एग्जाम्पल है एक भाई बहुत अच्छा भट्टी कराने वाला भाई अभी उसको कहाँ से हाथ में लग गई किसी संत की किताब सो कॉल्ड संत मॉडर्न संत साइकोलॉजी के ऊपर बोलने वाला उसकी उसकी बातें इतनी अच्छी लगी उसकी किताब पढ़ने लगा मुरली साइड में पढ़ गए चलते चलते यह अवस्था आ सकती है जब आपको मुरली एक ही लगे इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जिस दिन आपको लगे कि मुरली में वही वही बातें आती है तो समझ लेना चाहिए कि मेरे ऊपर माया का वार हो रहा है क्योंकि नवीनता मुझे दिखाई नहीं दे रही है रोज की मुरली नया भोजन है और हमारे बिलीफ सिस्टम मान्यताओं को बदलने वाला है इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं अंग्रेजी में हमारे ब्रेन की वायरिंग बदल सकती है अगर हम रोज मुरली पढ़े जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतने ईश्वरीय संस्कार पक्के होते जाते हैं इसलिए बाबा के बच्चों को मना है कि बाहर का लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए अभी इस भाई का वही हाल हुआ बातों से प्रभावित होने लगे और फिर कहने लगे देखो ये आत्मा भी वही सुनाती है जो बाबा सुनाते हैं फिर आगे कहने लगे ये तो बाबा से भी अच्छा सुनाते हैं कितनी गुईया साइकोलॉजी हमारे कुछ भाई बहने तो इनकी स्टोरिया सुनाते हैं बीके क्लासेस में तो अच्छी बात है आप विशेषता लेना चाहिए लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना कर्मों की गुहिया गति वो कहने के लिए कहते हैं कि सब बातें तो परमात्मा से आई है ये आत्मा भी जो सुनाया है बाबा से ही कैच किया होगा लेकिन सूक्ष्म में उससे प्रभावित हो गए फिर उस उस संत ने अपने लेक्चर्स में कहा कि आपके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अभी ये बा, बाबा का बच्चा कहने लगा देखो ये भी वही कह रहा है जो बाबा कहता है लेकिन तरीका गली गली में चले गए हाईवे छोड़ दिया और फिर इसने वो प्रयोग किए जो नहीं करने चाहिए थे उन्होंने ऐसे मूवीज और ऐसे फोटो देखना चालू किया कि जिससे अपनी चेकिंग करे कि मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है काम विकार का और फिर जो होना था वो हो गया ये जो साधु संत है मॉडर्न सेंस है इंक्लूडिंग द फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमन फ्रॉयड जिनका सेंट्रल थीम मुख्य विषय ही काम विकार है वो कहते हैं अभी एक इनकी फिलोसॉफी है वो अंग्रेजी में कहते हैं शॉप अंटिल यू ड्रॉप माना आपको शॉपिंग छोड़ना है तो अति में जाओ आप जितना शॉपिंग करना चाहो उतना करो आखिर में आप थक जाएंगे और उसको छोड़ देंगे अभी ये बहुत डेंजरस फिलोसॉफी हो सकती है बाहर से दिखाई देती अच्छी है जैसे आपको कोई खाने की चीज छोड़ना है तो उसको अति में खाओ अति में खाते जाएंगे तो आपको उससे वैराग्य आ जाएगा और आप खुद उसको छोड़ दोगे लेकिन ये नहीं सोचते कि वो संस्कार पक्का भी हो सकता है आपका उनके भाव को समझने के बजाय गलत तरीके से उठा लिया और आज ये बाबा का बच्चा जो भट्टी कराने वाला समर्पित जीवन जीने वाला आज ज्ञान में नहीं है तो मैं ये जो कह रहा हूं, माया भी लोगों के संग से बच जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी और एक फिलोसॉफी है दुनिया में तत्व ज्ञान वो कहते आत्मा निर्लेप है आप कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता जैसे इस समय के एलोपैथी डॉक्टर खास करके काम विकार के स्पेशलिस्ट जो है वो कहते हैं कि आपका कितना भी वीर्य गया कुछ फर्क नहीं पड़ता है बॉडी में तैयार होता रहता है आपको जोरा भी कमजोरी नहीं आएंगी कुछ भी नुकसान है उल्टा आप अगर काम विकार में नहीं गए तो आपको मानसिक बीमारी आएगी आप पागल हो सकते हैं ऐसे ही सुनाते हैं तो ऐसे बाबा ने कहा मायावी लोगों के संग से बच के रहना है क्योंकि वो कहते हैं आत्मा निर्लिप है तो साधु सन्यासी कहते आत्मा निर्लेप है और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो जैसे मुंह में लार निकलती है पेट में एसिड निकलता है वैसे ही वीर्य निकलता है ग्रंथि का श्राव है इससे कोई नुकसान नहीं होता है दोनों में निकलता है पुरुष में भी और स्त्री में भी तो ये निकलता रहता है ये प्रकृति ने दिया हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उसके ऊपर सोचो मत ऐसे करके ये बहका देते हैं अगर किसी बाबा के बच्चे ने ये बार बार सुना यूट्यूब के ऊपर या TikTok वीडियो के ऊपर तो फिर क्या है वो संस्कार पक्का हो जाएगा तो बाबा ने कहा ऐसे लोगों के संग से बच जाएंगे अगर दो बार स्नान करेंगे बाप और टीचर खुश होंगे और दुआएं देंगे और आप अल्टीमेटली गुलगुल या रूहानी फुल बन जाएंगे और अपार खुशी में रहेंगे तो खुश रहने का शॉर्टकट बाबा ने बताया है कि जितनी बार हो सके ज्ञान स्नान करना चाहिए कम से कम दो बार तो करना ही चाहिए और यही पर प्रॉब्लम आता है लोग कहते बार बार क्या पढ़ने का एक बार पढ़ लिया हो गया बार बार इसलिए पढ़ना चाहिए कि चलते चलते बुद्धि के ऊपर कचरा जम जाता है मैं तो हमेशा उदाहरण देता आपने किचन में बर्तन साफ करके रखे कुछ नहीं किया है उसको वैसे ही रखे तो भी उसके ऊपर धूल आके जम जाती है क्योंकि वायुमंडल में धूल है तो धूल जमती है कोई अगर रूम बंद करके जाता है समझो वो सोफा कवर के ऊपर प्लास्टिक डाल के क्यों रखते हैं क्योंकि बाहर से कितना भी अपने खिड़की दरवाजा बंद किया तो भी धूल आनी है इस समय माया का राज्य है तो माया की धूल बैठनी है इसलिए आपको मेंटेनेंस के लिए साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है तो ऐसे जो बाबा के बच्चे दो बार ज्ञान स्नान करते वो हमेशा फ्रेश और हर्षित रहेंगे अगर हर्षित नहीं रहते तो अपने ज्ञान स्नान को बढ़ाना चाहिए और ऐसे बाबा के बच्चे मुझे तो मम्मा की याद आई आज क्योंकि बाबा ने कहा नीडर बनना है साक्षी अवस्था में रहे सदा हर्षित रहना है तभी अंत मत से गति हो जाएगी आज फिर से भक्ति मार्ग की बिलीफ को टच किया है जैसे भक्ति मार्ग में कहते अंतिम समय कभी भी आएगा इसलिए अजपा जाप निरंतर परमात्मा की याद रहना चाहिए ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं जो भी करना है तुरंत करना है तो बाबा ने उदाहरण दिया कि जिस समय दीवार गिर जाएगा या भूकंप आ जाएगा वहां पे तो भाग के खड़े हो जाएंगे लेकिन मुझे यहाँ पे वो भक्ति मार्ग की कहानी याद आती है प्रवचन चल रहा था सन्यासी सुना रहे अचानक भूकंप आया बिल्डिंग हिलने लगी तो सभी फॉलोअर्स भाग गए लेकिन सन्यासी नहीं भागा थोड़ी देर बाद भूकंप पर रुक गया तो सभी फॉलोअर्स वापस आए और सन्यासी को पूछा कि आप भागे क्यों नहीं सन्यासी का जवाब था भागे तुम भी भागा मैं भी केवल फर्क इतना था कि तुम बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा बाबा यही कहना चाह रहा है कि बच्चे अंतिम समय कभी भी आएगा तो तैयार रहो तैयार रहो तैयार रहो ये अभ्यास बहुत करना है बहुत करना है ये अभ्यास अशरीपन का दूसरा कोई भी अभ्यास काम नहीं आने वाला है अपने दिल से पूछना है मैं मातिला हूँ या सौतेला हूं कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो बल मेरी बात अभी नहीं मानो अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी तो बाबा ने आज इसको याद दिलाया कि ऐसे लोगों के संग से अपने आप को बचाना है जो भटकाते हैं जो उल्टी बातें करते हैं बाबा की श्रीमत है, जर्मुई जर्मुई से अपने के रखना है। देखो भगवान भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है दूर से भागते हैं और कितना निरंकारी है तो हमको भी बाबा जैसा निरंकारी बनना है बाबा परम धाम से यहाँ आता है तो हमको भी यहाँ से परम धाम जाना है लौकिक में कहते हैं हम तुम्हारे घर आएंगे तुम हमारे घर आओ तो बाबा हमारे घर पुरानी दुनिया में आया एक्चुअली हमारा घर नहीं है ये मुसाफिर खाना है तो हमको अभी बाबा के साथ वापस घर जाना है तन मन और दिल की पूरी स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करना है भगवान को अगर कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो वो है स्वच्छता या पवित्रता जिसका रंग सफेद रंग दिखाते हैं मरने के बाद भी सफेद कफन पहनाते हैं तो सफेद रस्त, वस्त्र जो है पवित्रता का प्रतीक है पुरानी दुनिया से मरने का प्रतीक भी है साफ दिल और स्वच्छता स्वरूप हो तो बेदाग बन जाएंगे ऐसे बाबा ने कहा और जिसका मन और दिल साफ है उसके ऊपर शिव बाबा राजी रहता है भले कोई भी गलती हो जाए सच्ची दिल से बाबा को सुना दो लिख के दे दो तो दिल खाएगा नहीं हमारी सभी मर, मुरादे या कामनाएं बाबा बाबा पूर्ण कर देगा इसलिए ऐसे साफ स्वच्छ दिल बच्चों को हंस होली हंस कहते हैं और ऐसे होली हंस जो शक्तिशाली है सब कुछ सहन करते हैं वही अल्टीमेटली सतयुग में सहन शाह बनते हैं तो आज की पूरी मुरली में हम टेक होम यही याद रखेंगे कि आज बाप समान नीडर साक्षी बनना है और सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कम से कम दो बार ज्ञान स्नान करना है सच्ची दिल को साफ दिल को बाबा के सामने रखना है और सब कुछ सहन करना है तो हम लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं अच्छा ओम शांति